अमेरिका को लेके वो काफी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं, लोग उनको काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो सुपरस्टार जो होते हैं ना उनको ट्रोलिंग होना भी चाहिए, और मैं चाहती हूँ, मैं तो खुद चाहती हूँ ट्रोल करो, मैं तो खुद बोलती हूँ मुझे भी ट्रोल करो, अभी इंटरव्यू के बाद फिर से ट्रोल करना, ठीक है? तो क्या होता है इससे लोग जो लोग आपको नहीं भी देख पा रहे वो भी ट्रोलिंग के बहाने देख लेते हैं आपको, तो ट्रोलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मिका अच्छा ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि वो पाकिस्तान के अंदर गाना गाने गए तो वो थोड़ा दिक्कत वाला मामला है, बिकॉज इंडिया के अंदर पाकिस्तान के सिंगर्स को एक्टर को बैन कर दिया है, लेकिन देश की बात आए तो फिर उन्होंने गलती की है कि वहाँ पर जाकर गाना गाए। ऐसा करना चाहिए था मिका, तुमको परवेज़ मुशर्रफ की शादी पाकिस्तान में ना करके कहीं और करवाना चाहिए था, श्रीलंका वलंका में, वहाँ पर जाकर गाना गा लेते तुम, ज़रूरी था पाकिस्तान में लैंड करना? कुछ भी मतलब मुझसे आइडिया ले लेता ये। इससे भी ज़्यादा ट्रोलिंग लोगों ने उन्हें तब किया जब वो बाघा बॉर्डर पे जाके उन्होंने झंडा फहराया एंड देन फिर उन्होंने झंडे को सलामी दी। यार अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती इस मामले में क्योंकि मैं मिका को ज़्यादा जानती नहीं हूँ, पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानती, लेकिन अगर देखो देशभक्त को बार बार जताने की ज़रूरत नहीं होती कि बाघा बॉर्डर पे जाओ झंडा ले रहा, तो देशभक्ति तो इंसान की दिख ही जाती है कहाँ है कहाँ नहीं है। अब पाकिस्तान में गाना गाना ये भी नहीं है कि उन्होंने देश के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया, तो लेट्स सी अब इंडिया वाले हैं, इंडस्ट्री वाले जो एक्शन लेंगे वो लेंगे, हमें क्या मतलब है।